हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। बात करेंगे लेटेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं 2022 में कि हमें तो 2022 में टारगेट्स पूरे करने तक पहुंच जाना चाहिए था। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे दो चीज़ों का रेफर कर रहा हूँ, एक द हिंदू को रेफर कर रहा हूँ और एक इकोनॉमिक टाइम्स को रेफर कर रहा हूँ। उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने टारगेट्स पूरे हुए हैं, किन चीज़ों में हमने रिसेंटली चेंज किए हैं। ग्लासगो में जो मोदी जी बोल के आए थे उन टारगेट्स में भी हमने कुछ चेंज किए हैं, और कहीं ना कहीं अब ये आपको देखने को मिलेगा कि ये चेंजेस जो हैं वो आगे कैसे शेप करेंगे हमारी डेवलपमेंट को। तो बात करेंगे सभी चीजों के बारे में। उससे पहले अगर आप मुझसे पेपर वन और कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इन दो सब्जेक्ट्स का, और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा फेस्टिव ऑफर के कारण 20% जो है वो डिस्काउंट, जिसकी वजह से आप कोर्सेज में एनरोल कर पाएंगे जो है 12,760 रुपये की जगह 10,208 रुपये में ही। और आई विल स्टिल सजेस्ट यू कि 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है सिलेबस को खत्म करने का टाइमली, ताकि आपको रिकॉर्डेड क्लासेज और लाइव क्लासेज अनलिमिटेड मिले, सिलेबस कवरेज मिले पूरी, PYQ टेस्ट क्विजेज जो हमारे यहाँ हर हफ्ते हर दिन प्रैक्टिस होती रहती है उनको आप जरूर कर लें। SGRYT कोड के साथ एनरोल करें, इसके अंदर ये बेनिफिट जरूर लीजिएगा टाइमली, ताकि अच्छे लेवल पे आप तैयारी कर सकें और कॉमर्स और पेपर वन के बैचेस में एनरोल हो सकें। देखिए कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको जो रिसेंट है, बहुत एकदम लेटेस्ट डेटा के आधार पे है, जून जुलाई अगस्त के ही डेटा है ये। तो अभी क्या हुआ है कि भारत ने ड्रॉप किया है अपने एक टारगेट को कि हम 500 गीगावाट जो एस्टैब्लिश करने वाले थे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक, और हमें ताकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, ऑफ 50% पावर की हम नॉन फॉसिल फ्यूल से लाएंगे, और जो हमारी कमिटमेंट्स थी UNFCCC में, तो इससे इंडिया के थोड़े ऑप्शन खुले रहेंगे कि अगर कल को हमें नए कोल प्लांट्स जो हैं वो खोलने हैं और हमारी जो प्रोजेक्टेड है कि हमें 820 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो अगर एक्सेस डिमांड आती है तो वो ग्रीन फ्यूल से तो पूरी नहीं होगी, तो हमें फॉसिल का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोल पावर प्लांट भी खोलने पड़ सकते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा बैक स्टोरी बताता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें ना थोड़ी अच्छे समझ में आए। देखिए कहानी ये है कि ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं आज, तो इनको जो पहली लगाम लगानी चाहिए वो तो ऐसी कंट्रीज पर लगानी चाहिए जिन्होंने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया। सब डेवलपिंग कंट्रीज ने दुनिया भर के फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान यूज़ किए, कोयला यूज़ किया पूरी दुनिया में, कॉलोनीज बनाने के दौरान भी ये सब किया, तो उन पे लगाम लगाने की बजाय अब ये लोग जो हैं वो लंबे चौड़े टारगेट देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी, और ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाए इन्वायरमेंट के नाम पे। अब जैसे इंडिया ने कमिट कर दिया, तो इंडिया ने कमिट कर दिया कि भाई वो अपनी 50% पावर जो है वो नॉन फ्यूल सोर्सेज से 50% जो है यहाँ से लाएगा, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पैदा करेगा 2030 तक। तो हम ऐसे अब नए प्रोजेक्ट लगाएंगे जिसमें हमें मान लो हम कोयले के कोई प्लांट खोल रहे हैं, हम थर्मल पावर प्लांट्स खोल रहे हैं जिसमें कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से फॉसिल फ्यूल से जो है बिजली बनेगी। अब भाई हम बढ़ता देश हैं, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, लोगों की अगर इंडस्ट्रियल पेस के हिसाब से चलना है तो हमें जो है उस डिमांड को पूरा भी करना होगा। लेकिन ये कंट्रियां फिर आपको यहां पे खींचती है कि भाई आपने तो कमिट किया था, तो हम यहां पे एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखने के लिए कि भाई हमारी एनर्जी की डिमांड आगे बढ़ सकती है, तो हम एक वादा जरूर करते हैं कि हम अपनी 50% कैपेसिटी को 2030 तक पूरा कर देंगे, कि हम नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उससे लेंगे और 50% जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से लेंगे। लेकिन अब हम इस वादे में नहीं फंसेंगे कि हम इतनी पैदा करेंगे तो इतनी ही करेंगे, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने टारगेट्स में, क्योंकि बढ़ता देश है, बढ़ती डिमांड है, बढ़ती एनर्जी कंजम्पशन की नीड्स हैं, तो उसे हमें पूरा करना होगा। और उसके लिए अगर हमें कोल प्लांट्स और भी खोलने पड़े, क्योंकि हमारे ग्रीन फ्यूल से हमारी बिजली की पूरी क्षमता पूरी नहीं होगी, तो हम करेंगे। तो ये NDC जो है, ये नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, ये हमने रिसेंटली अभी एक मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, तो UNFCCC को कम्युनिकेट किया है, क्योंकि UNFCCC को कम्युनिकेट करना होता है NDC के थ्रू, तो अपडेटेड NDC जमा कराते रहना होता है कि भाई कंट्री का क्या विजन है, कैसे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। तो हमने कहा कि हम प्रपोज कर रहे हैं 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इंस्टॉल कैपेसिटी की हम नॉन फॉसिल फ्यूल के बेसिस पे कर देंगे 2030 तक, लेकिन हम ड्रॉप कर रहे हैं हमारा 500 गीगावाट का एब्सोल्यूट टारगेट कमिटमेंट जो हमने COP26 में किया था, और हम इसमें वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे कमिटमेंट को जो हमने कहा था कि हम 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन जो है वो कम करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले हैं 2030 तक। तो भारत ने एक कमिटमेंट की है कि वो जनरेट किए करेगा 500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी सोर्सेज से जैसे सोलर वगैरह से, तो बाय 2030 एंड रिड्यूस करेगा कार्बन एमिशन को बाय 1 बिलियन टन बाय द एंड ऑफ द डेकेड एट द CO226 कॉन्फ्रेंस जो ग्लासगो में मोदी जी अभी करके आए थे, और वहां कार्बन न्यूट्रलिटी का भी उन्होंने कहा था 2075 के लिए, वो टारगेट के लिए हम अभी भी कमिटेड हैं, बिल्कुल रहेंगे। तो NDC जो है वो कोर है पेरिस एग्रीमेंट की, कि भाई हर कंट्री को कम्युनिकेट करना होता है, अपडेट करना होता है पीरियोडिकली। तो इस बार NDC में हम लोगों ने ये बात बोल दी कि भाई हम जो हमारी इंटेंसिटी है, एमिशन इंटेंसिटी है, उसको रिड्यूस करेंगे GDP की जो है बाय 45%
2030 तक और जो 2005 के लेवल के बेसिस पे देखी जाएगी। लेकिन हमने ये मेंशन नहीं किया है इस बार कि हम 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन की भी रिडक्शन करेंगे। भारत का जो करंट पावर स्टेटस है ये अगर आप अभी देखेंगे तो 404 गीगावाट पे स्टैंड करता है, जिसके लिए हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमको लगभग 820 गीगावाट कुछ चाहिएगा। तो ऑब्वियसली अगर हमारी कंट्री और तेजी से आगे बढ़ेगी तो हमें और पावर चाहिएगी, और एनर्जी नीड्स चाहिएगी, उसके लिए हमें नए प्लांट्स भी लगाने पड़ेंगे। अगर हम इन चीजों में आज ही फंस गए, इन कमिटमेंट्स में फंस गए, तो ये दिक्कत आ सकती है कि हम आगे ये प्लांट खोलना चाहेंगे और हमें ये कम्युनिटी जो है या एजेंसीज कहीं ना कहीं इसमें जो है वो अड़चने डालेगी। तो हमने पहले से ही फ्लेक्सिबल अप्रोच के लेके एटलीस्ट हमारा स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई अगर हमारी आज कोल की बेस जो है पावर जनरेशन 204 गीगावाट आगे बढ़ सकती है, रिन्यूएबल 114 है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये हमेशा 50% बनी रहे ओवरऑल का, ना कि सिर्फ कोल बेस का। तो ओवरऑल का 50% हमें लेके आना है लगभग, जैसे ये 400 है, जैसे 800 है तो हमें 400 तक लेके जाना होगा, 300 350 तक लेके जाना होगा। तो अपडेटेड एनडीसी जो है वो भारत को एटलीस्ट एक फ्लेक्सिबल अप्रोच देता है रिन्यूएबल एनर्जी की। जो रियलिटी है वो डिपेंड करती है कि भाई किस तरह की जो है पावर डिमांड रहेगी। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जो है इकोनॉमिक टाइम्स को भी बताया भी था, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सोर्स क्योर कर रहा हूं ईटी और जो है हिंदू को, तो उनको कहा था कि अगर डिमांड की पावर हाई होगी तो हम जनरेशन भी हाई रखेंगे। हम कोई रिजिड टारगेट सेट करके खुद की ग्रोथ को इस टाइम हैम्पर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम बढ़ती हुई कंट्री है। 50% कंट्री की जो इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी है उसके लिए हम कमिटेड है कि हम क्लीन एनर्जी सोर्सेज से, नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज से लेके आएंगे। सोलर और विंड जो है वो 51% के आसपास हमारी जो है वो रहेगी आने वाले समय में, जो कि हम 2030 तक करके दिखाएंगे। और हमारी जो कोल पे जो है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो हमारा एक निर्भरता बनी हुई है, तो ये हम ड्रॉप कर देंगे 33% पे, जो कि अभी फिलहाल 50% भाव को नजर आ रही होगी 204-404 के मुकाबले। तो अनदर ऑफिशियल जो है उसने ये कहा कि हमें विंडो ओपन रखनी है कि हमें अगर कल को नए थर्मल पावर प्लांट्स खोलने पड़े तो हम खोल पाए। लेकिन हाँ, अगर हम फॉसिल फ्यूल को या जो फॉसिल फ्यूल है उसको 50% से कम रख सकें तो ये बहुत अच्छी चीज होगी हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म टारगेट के बेसिस पे। रिसेंटली जनवरी से अगस्त तक पिछले 8 महीने में 2022 की एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई है कि 22% जो है हमने राइज देखा है सोलर इंस्टॉलेशन में। तो अब आप कहेंगे अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा 175 गीगावाट का टारगेट था। इंडिया सो फार इंस्टॉल 66% ऑफ द टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन। तो इसमें गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना को श्रेय जाता है कि उन्होंने स्टेट वाइज टारगेट्स को पूरा किया है। और जो है यहाँ पे ऐसी जो है स्टेट्स भी है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है इस चीज को पूरा वो टाइम से नहीं कर पाए हैं। तो ट्रेंड ये कहता है कि इज ऑफ एन एक्सेलरेशन इन द सोलर इंस्टॉलेशन जो है वो हमें बड़ी जरूरत है, क्योंकि पहले 8 महीनों में इस साल के अगर 22% राइज देखा गया है पिछले 8 महीनों के मुकाबले, तो ये चीज आपको दिखाती है कि हमने कैंपेन के थ्रू कहीं ना कहीं पेस तो पकड़ी थी, क्योंकि 2022 के हमारे टारगेट्स आ गए थे, वो टारगेट्स अब पूरे नहीं होंगे। इंडिया नहीं पहुंचेगा 175 गीगावाट पे एंड ऑफ द 2022 तक, लेकिन 2030 के जो टारगेट हैं और 450 गीगावाट रिन्यूएबल्स एंड 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी, ये कहीं ना कहीं हमने एनडीसी में मेंशन किए हैं, जो एनडीसी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था और वो हमारी रीच में है। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और हर चीज बहुत ढंग से जानने को मिली होगी कि पावर कैपेसिटी के मामले में हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या हमारा अभी का स्टैंड है और क्या आगे हमारी कमिटमेंट्स हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पे सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि हमारी सभी फ्री क्लासेस के लिंक है सीरियल वाइज, और प्लस क्लासेस के लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, ताकि आप रिकॉर्डेड सेशन अच्छे से कर सके। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर जानकारी सही लगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, शुक्रिया।